नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं 3N न्यूज नेटवर्क। राजस्थान के झुंझुनू और सीकर पुलिस ने पपला गुर्जर के सहयोगी को गिरफ्तार कर SOG के हवाले किया। SOG ने कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया। आपको बता दें, बैरड पुलिस थाने में पुलिस पर फायरिंग कर लॉकअप में बंद कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर को छुड़ाकर ले जाने के मामले में पपला के मुख्य सहयोगी बलबीर गुर्जर को राजस्थान के झुंझुनू और सीकर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया और पपला मामले की जांच कर रही SOG के हवाले कर दिया, जहां से SOG आरोपी को बैरड थाने पर लेकर आई और वारदात स्थल का मौका मुआयना कराया। इस दौरान बैरड के मुख्य दरवाजे पर सशस्त्र बल लगाया हुआ था। शनिवार को अलवर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। SOG के एडिशनल SP सिद्धांत शर्मा ने बताया कि सीकर और झुंझुनू पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को पथाना निवासी बलबीर गुर्जर को पकड़ा है। उसके बाद अनुसंधान कर रात को SOG के ने गिरफ्तार किया है, जिसे शनिवार को अलवर कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया गया है। ये 10,000 का आरोपी है और पपला छुड़ाने की प्लानिंग में शामिल रहा है। अब इस मामले से जुड़े 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करना बाकी है, उनको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।